स्वागत करता हूँ एक नए से ब्लॉग में। आज जो मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये राजाओं की बावली है। बावली मतलब जो उस ज़माने में पानी हुआ करता था उसको स्टॉक करने के लिए ये बावली बनाया जाता था। तो उस ज़माने में बहुत सारी किल्लत हुआ करती थी पानी की, तो इस वजह से इस बावली को लोधी वंश के दौलत खान ने बनवाया था 1506 ईस्वी में। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं, ये बावली। और इस बावली का जो मेन मकसद होता था कि ये जो पानी आप देख रहे हैं इसको उस ज़माने में, तो अभी बहुत ज़्यादा ही गंदा है, तो उस ज़माने में इसको स्टॉक के यूज़ में लिया जाता था। तो बेसिकली 1506 ईस्वी में लोधी वंश के जो दौलत खां थे, उन्होंने 1506 ईस्वी में इस बावली को बनवाया था। पानी के वजह से, कमी की वजह से इसको बनाया जाता था। और जो गेस्ट आते थे तो वो जो यहाँ पे इस जगह पे आराम फरमाया करते थे, तो गर्मियों के टाइम में, तो इस वजह से भी इसका यूज किया जाता था। और ये आप देख सकते हैं, इसको सामने की तरफ से ये दिखता है। इस टाइप से ही बना हुआ, इस साइड भी बना हुआ है और उस साइड भी बना हुआ है। और ये हो सकता है आग आग जलाने के काम आते होंगे। तो छोटी छोटी जो ये सब ताक देखते हैं आप, तो ये सब ये उस ज़माने में लाइट के काम आती थी, जो डिबिया रखी जाती थी इसका। और हालांकि इसका तो अब इसमें क्रैक भी आ चुका है बावली में, देख सकते हैं आप। देखिए बहुत ज़्यादा ही क्रैक आ चुका है। ये आप जो सोच रहे हैं कि ये मतलब कि ये फर्स्ट फ्लोर होगा, ये इसके 3-4 फ्लोर नीचे ही बावली हुआ करती थी। ये काफ़ी इस स्लोप में गई हुई है बावली, जो कि बहुत ही अंदर की तरफ है ये बावली। यहाँ पे ज़्यादा गड्ढा होता है, यहाँ पे सीढ़ी की तरह, सीढ़ी जो स्टेप आप देख रहे हैं वो स्टेप सामने की तरफ, वो स्टेप से उतर के ये अंदर की तरफ और भी गड्ढी हुई जाती है बावली। चलिए ऊपर की तरफ दिखाते हैं क्या है। यहाँ से भी है रास्ता, जो ये बावली, ये कुआं है, ये आप देख सकते हैं, ये कुआं है, यहाँ आना मना है, ये ऊपर से बंद कर दिया गया है। तो ये काफ़ी गड्ढा यहीं पे होता है। और इस साइड भी है जो आप देख सकते हैं, ये पूरा जर्जर हो चुका है, ख़राब। और मैं ये बता दूं कि राजाओं की बावली जो इसका नाम पड़ा है, जो राजमिस्त्री जो हुआ करते थे उस ज़माने में, तो अभी भी राजमिस्त्री ही बोला जाता है, तो उसके नाम पे ही इसको, इस बावली का नाम पड़ा राजाओं की बावली।